जगत आधार ईश्वर के गुण श्रवण कीर्तन में लीन सौम्य साधकों को सादर अभिवादन। भगवत कृपा से परमार्थ स्वरूप परब्रह्म श्री राम जी में ध्यानस्थ शिष्यों का महाकाव्य श्री रामचरितमानस के विश्व कल्याणमय पाठ में स्नेहपूर्ण अभिनंदन। इस परम पवित्र सुमधुर पाठ में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, हो ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, एही कर नामो सुमीरी संसारा, त्रिय जड़ी पतिव्रत असिधारा। भावार्थ, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। भावार्थ, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलच्छिनी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एही कहा मिली परिहस्त असिरेख। भावार्थ, योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी, नारदु यह भेदु न जाना, दसा एक समुझक पिलकाना। भावार्थ, नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देवऋषि भाषा, उमा सो बष्णु हृदयम धरी राखा। भावार्थ, सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजियो सिवपत कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु, जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछन बैठी पुनी जाई। भावार्थ, उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी ना होई देवर्षि बानी, सोची दंपति सखी सयानी, और धरी धीर कहे गिरी राव, कहो नाथ का करिय उपाओ। भावार्थ, देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वत राज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। स्वयं एवं जीवन को श्री राम मई बनाने हेतु सुंदर कृपा के धाम लीला पूर्ण प्रभु के सरल हृदय भगवत भक्तों पर हरि कथा रूपी नित्य नैमित्तिक अनुग्रह की वर्षा का सदैव उपयोग करते रहें। भक्त भयहारी परम समर्थ कृपा निधान शरणागत वत्सल सर्वलोक महेश्वर सभी भक्तों का निरंतर एवं सर्वदा कल्याण का विस्तार करते रहें।